हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैंने न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक क्रिएट किया, ग्लॉसी मेकअप लुक क्रिएट किया। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या बार बार देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो, प्यारी प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, तो आप मेरी वीडियो को देख सकें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ब्लैंक या क्या बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। आप लोग बोलते हैं दी आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप बेल आइकन को क्लिक करिए, तभी आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे, वरना मिस कर देंगे अगर आपको अच्छी अच्छी मेकअप वीडियो इसी तरीके की देखनी है तो। और यहाँ पे मैंने ब्लू स्मोकी आई और ये ड्रेस मैंने क्लब फैक्ट्री से, एयरिंग मैंने ली है मिंत्रा से या अमेजोन से, मुझे ध्यान नहीं है, लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको इजिली मिल जाएगा ऑनलाइन ही। लेकिन यार, पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल है, आप इसे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट किया है, हेयर को ओपन करके। कई तरह का मैंने लुक आप लोगों को दिखाया, हेयर को बंद बना के और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बस हेयर को ओपन करके आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, तो बस कुछ इसी तरीके का लुक है। तो और हाँ, आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर रहे हो ना, वहाँ आपको पूरे अच्छे से ड्रेस देखने को मिल जाएगी और इंस्टा पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट कर लिया, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पे ब्लेजर डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको पता ही है कि ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, और इससे थोड़ा सा फेस पे हमारे ग्लो भी आ जाता है इसी वजह से। तो अगर आपको ठंड लग रही है, आप ठंड में जा रहे हो, तो इस टाइप का ब्लेजर डाल सकते हो जो पार्टी वेयर टाइप का हो, तो वो भी आपको अच्छा खासा लुक देगा। और इसके बाद मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यार क्या बोल रही हूँ, लिप्स को थोड़ा सा अच्छे से मॉइस्चराइज क्या यार लिप्स को अच्छे से थोड़ा सा मॉइस्चराइज करूँगी, ताकि मेरे जो लिप्स हैं वो फटे ना और अच्छे लगे देखने में। फट जाएंगे ना, तो वो जब हम लिपस्टिक लगाएंगे अजीब सा लगेगा इसी वजह से। इसके बाद हम ले रहे हैं NYB का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर जो 140 में मुझे मिला था। तो इसे हम लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक पफी ब्रश से, छोटू से ब्रश से, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या फिंगर केयर से डब डब करके अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, मतलब उंगलियों को थपथपाते हुए एक उंगली से, वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आप अगर आपके पास ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और इसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट लेना है और अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लेना है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो कंसीलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमारा आई मेकअप उभर कर आता है। और इसके बाद मैं ले रही विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं ये ट्रांजिशन सेट पिक कर रही हूँ। जब भी आप आई मेकअप स्टार्ट करो, सबसे पहले ट्रांजिशन सेट पिक करो, उससे आपका मतलब कि अच्छा खासा कवरेज भी मिलता है, प्लस एक आपको आइडिया भी मिल जाता है कि आपको किस तरीके से आई मेकअप करना है। दूसरा, आपका आई मेकअप उभर कर भी आता है, तो इन सब चीज़ों से आपका आई मेकअप अच्छा होता है। तो यहाँ मैं ट्रांजिशन सेट पिक की हूँ, इसको मैं अच्छे से क्रीज लाइन में ज़्यादा ब्लेंड की हूँ। और इसके बाद मैं ये ब्राउन और ये ग्लिटरी शेड में ले रही, ये भी मैं क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी बस, और कोई भी शेड नहीं हमें लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको हल्के हल्के से ब्लेंड करना है दोनों में, आई में थोड़ा थोड़ा सा आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लोगे ना तो आपका आई मेकअप कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, ब्लेंड करिए। अगर आप सोचो इकट्ठे लगा लेंगे तो वो एक जगह लग जाएगा, हाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा वो अजीब लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा लेके ब्लेंड करोगे तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद मैं ले रही NYB का ब्लू पेंसिल, जो मुझे ठीक लगा था उस टाइम में, बट मैंने अच्छा, बट अभी मुझे ये थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा, बट पैसे के हिसाब से फुल पैसा वसूल है, ठीक है। अगर आप 100 में, शायद आपको ये 67 में मिल जाता है, तो इस हिसाब से तो ये ठीक ही है। और इसको हम अपने आईलेट पे, पूरे आईलेट पे लगा लेंगे, पूरे ही आईलेट में आपको अच्छे से लगाना है, दोनों ही आई में लगा लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा आई मेकअप आपका होगा। तो मैंने सोचा था पहले मैं गोल्डन करूँगी, बट ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी, तो मैंने कहा चलो क्रिएट कर लेते हैं। ये भी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला आया था, बहुत ही मुझे पसंद आया पर्सनली ये वाला लुक। तो दोनों ही आईलेट पे हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको लाइनर नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से इसी पेंसिल से लगा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी लाइनर नहीं यूज करने वाली हूँ आज। और इसके बाद हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे,
ताकि वो अच्छे से एक साइज़ में आ जाए, एक कलर में आ जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे, क्योंकि पेंसिल यूज़ की हमने तो थोड़ा सा ब्लेंड करना ही है। तो इसके लिए हम पफी ब्रश नहीं लेंगे, फ्लैट ब्रश ही लेंगे और अच्छे से इसको धीरे धीरे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं जैसा मैं कर रही हूँ सेम आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों ही आई में ब्लेंड कर लेना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ अपना मोर्फी का हील पैलेट, उसमें से मैं ये ब्लू वाला सेट पिक कर रही हूँ। ये देखिए साइड में पर्पल, आपको पर्पल नहीं लेना है, ब्लू लेना है और फ्लैट ब्रश के से अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, मैं थोड़ा सा क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो और अच्छे से लगा लो। ये देखिए इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद आप चाहो तो मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने ब्रश के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर लीजिएगा, अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा आई मेकअप हो गया ना, काफ़ी प्रीटी वाला, दोनों ही आई में आपको इस तरीके से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा सा ही लेके ब्लेंड करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही लेके ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको लेना है और अपने ब्रश पे फ्लैट ब्रश पे स्प्रे कर लेना। ये देखिए इससे आपका आई मेकअप और ज़्यादा ग्लिटरी टाइप का दिखेगा, बहुत ही प्यारा दिखेगा। दोनों में डिफरेंट देखिए अब कितना ज़्यादा डिफरेंट आ गया है। तो जस्ट मैं आपको इतना ज़्यादा क्लोज करके दिखा देती हूँ कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लगा लेना, ये देखिए दोनों ही आई पर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है, तो मैंने कर लिया। और इसके बाद हम ले रहे हैं एनवाइबे का काजल, तो सबसे पहले हम काजल अपने आई पे अप्लाई कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा काजल है, बजट में है तो अच्छा है, डार्क वाला ब्लैक है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया, बजट में है। और इसके बाद फिर हमने जो अपने आईलेट के ऊपर क्रीज लाइन में लगाया था सेम शेड वही वाला शेड हम पिक कर रहे हैं और इस तरीके से काजल के नीचे हम अप्लाई करेंगे, काजल पर नहीं करेंगे, काजल के नीचे हमको करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही लेके हम करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों ही आई में हल्के हल्के से ब्लेंड करना है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा मत लीजिएगा वरना आपकी आँखों में जाने का डर रहता है। और सेम ब्लू पेंसिल मैं यूज़ करूँगी काजल के थोड़ा सा नीचे, मतलब जो हमारा काजल भी दिखे ब्लू पेंसिल भी दिखे, तो इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लग रही, ये चिपक रहा है जैसे, तो इसको लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लूँगी क्योंकि ये हमारी जो पलके है उसमें लग जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा आई मेकअप हुआ है ना। तो अब हम इसको पेंसिल ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और मेरे आँख में भी थोड़ा सा चला गया था क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी। सेम ब्लू वाला शेड हम लेंगे और इसको पेंसिल ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और बाबू देखिए क्या कर रही है, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। मैं इनके चक्कर में लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा लेके ब्लेंड कर रही हूँ मैं, लेकिन ठीक है यार पैसे के हिसाब से तो ठीक ही है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बट पैसे के हिसाब से ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा। और इसके बाद हम ले रहे हैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र जो, और इसे हम अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा लेके। और ये देखिए बाबू भी ले रही, जो चीज़ मैं लगाती हूँ उसे चाहिए, तो हर चीज़ें मैं उसे नहीं देती हूँ, जो लगता है कि हाँ देना है वही दे देती। तो मॉइस्चराइज़र मैंने थोड़ा सा दे दिया, हल्का सा बस, उसके हाथ में ही रह जाएगा, फेस पे नहीं अप्लाई होगा। और इसके बाद हम लगा रहे गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल जो बहुत ही अच्छा है, बजट में है, ठंड के टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा है फेशियल ऑयल ये। बाबू इसको भी मांग रहे थे, मैंने कहा ये मत लगा बाबू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसको आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। 2 मिनट के बाद मैं लगा रही हूँ विल्टन वाइट का फोटो फोकस प्राइमर जो बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और इसके बाद हम लगा रहे हैं मेकअप बेस हाईलाइटर जो पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया है और उसी से मैं हल्के हल्के से ही लगा रही हूँ ब्लेंड करते हुए, मैं फिंगर से नहीं लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ गया जहाँ पे मैंने ब्लेंड किया। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के से ब्लेंड कर लेना है पूरे फेस पे। और बाबू सो रही थी, जैसे ही मुझे मेकअप देखे उठी देखी दे जैसे उसने देखा कि मेकअप मैं कर रही हूँ वैसे वह उठकर बैठ गई है और उसकी बॉटल देखिए पूरी की पूरी भरी हुई है, सोई भी नहीं। तो आप फेस पे मेरे देख सकते हैं, वाह इतना अच्छा सा ग्लो आया, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आया यार। तो अब हम ले रहे हैं विल्टन वाइट यार क्या मेबलिन फिट मी 230 मेरा शेड है फाउंडेशन। उसके बाद मैंने हाईलाइटर बेस वाला मिक्स किया है, दोनों को मिक्स करके मैं थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर रही फिंगर की हेल्प से, और इससे आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। जो मेरा बचा हुआ है उसको मैं नेक पे लगा लूँगी ताकि हमारा वेस्ट ना जाए। और
अच्छे से आपको ब्लेंड करना है फिंगर गेल से, और ब्रश यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि आप ग्लॉसी मेकअप कर रहे हैं, तो ब्रश यूज़ मत कीजिएगा, इसी से ब्लेंड कीजिएगा ताकि आपका मेकअप जो है थोड़ा सा अच्छा भी दिखे, प्लस आपका जो ग्लो है वो ना जाए इसी वजह से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, थोड़े थोड़े से, धीरे धीरे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। इसके बाद मैं सेम मोर्फी का हिल पैलेट मैंने लिया, उसमें से ब्राउन शेड ली हूँ और इसी से मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। इस टाइम तो आपको पता ही कि इस टाइम मैं इसी को यूज कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, सॉरी यार ब्लेंड नहीं करना है, अपने आईब्रो को फिल करना है थोड़ा थोड़ा सा। तो जैसे मेरी आईब्रो की शेप है वैसे ही मैं सेम अप्लाई करूँगी, कोई डिफरेंट शेप नहीं दूंगी यहाँ पर। और इसके बाद मैं ले रही स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, इसमें से मैं ये ब्राउन्जर वाला सेट पिक की हूँ और इसी से मैं ब्राउन्जर करूँगी क्योंकि ये ग्लोई है, तो इससे आपके फेस पे ग्लो भी रहेगा और आपका ब्राउन्जर भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से, और पहले मैंने चिक पे किया, फिर इसके बाद फोरहेड पे करूँगी, और नोज़ के लिए मैं एक छोटा सा ब्रश लूँगी, छोटू सा ब्रश, पफी ब्रश, उसी से मैं कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा लेके आपको हल्का हल्का सा करना है, ज़्यादा मैंने ब्राउन्जर नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा सा ही लगाया है जस्ट। और आज मैं ब्लशर के लिए पीच वाला ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, जो ब्लशर के लिए मैं ले रही हूँ, पीच कलर का है ये, और इसी से मैं ब्लशर लगा रही हूँ। और ये वाला पैलेट यार कमाल का, इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा है यार, फुल पैसा वसूल है। और हाइलाइटर के लिए मैंने ये वाला सेट पिक किया, और एक ब्रश के हेल्प से मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रश सेम वही लिया है, फैन ब्रश मैंने नहीं लिया, इसी से मैं लगा रही हूँ। और जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप हाइलाइटिंग कर लीजिए, जहाँ मैं हमेशा करती हूँ सेम वही कर रही हूँ। ये देखिए तो हमारी हाइलाइटिंग हो चुकी है और फेस अब देखिए यार। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाइवी की लिपस्टिक, मेरा शेड है 2, और ये लिपस्टिक थोड़ी क्रीमी टाइप की बहुत ही अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि चलती नहीं है, लॉन्ग स्टे है, चलती है काफ़ी देर तक, मतलब रहती है, चलती है, आप लोग बोलोगे दी चलती क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अप्लाई कर लेना फटाफट से, ये देखिए ये लग गई है, मैंने यहाँ पे ज़रा भी स्किप नहीं किया, लास्ट में थोड़ा सा मैंने कट किया था बट ये बहुत ही जल्दी लग गई थी। तो ये देखिए ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, पहला जैसे मैंने आपको दिखाया था हेयर को ओपन करके, काफ़ी लॉन्ग हेयर है मेरे, तो आप लॉन्ग हेयर है तो कई तरह की मैंने स्टाइल भी बता दी है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो आप। सेकेंड ऑप्शन से आपको थोड़ा सा पफ बनाना है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में थोड़ा सा आपको हेयर आगे कर लेना है, तो इस तरीके का लुक भी क्रिएट कर सकते हो आप। ये देखिए आपकी इसमें दोनों एयरिंग दिखेंगी, फुल हेयर ओपन करोगे तो उसमें थोड़ी सी एयरिंग नहीं दिखेंगी, मैसी टाइप का हेयर रहेगा बट वो भी अच्छा लगता है। सेकंड हेयर स्टाइल ये है जिसमें आपके हेयर थोड़े से छोटे हो जाएंगे, पप बनाना है, और अंदर की साइड में थोड़ा सा क्लेचर लगा के पोनी टाइप का कर लेना है, जिससे आपके हेयर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे पीछे से भी देखने में। और इतने छोटे हो गए मेरे हेयर, कैसे हेयर स्टाइल का कमाल है। कैसी लगी, कौन सी हेयर स्टाइल उस पर अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत करते हैं। ड्रेस की एयरिंग की लिंक मैं दे दूंगी, काफ़ी अमेजिंग ड्रेस है, काफ़ी अमेजिंग एयरिंग है। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो वो भी बताइएगा। ओके बाय बाय।